हेलो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं बजाज आ रही इलेक्ट्रिक न्यू ऑटो, कुछ इस तरह से दिखती है। इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका सामने का टायर कुछ इस तरह से है। टायर की बात करूं तो ये ट्यूबलेस हैं दोस्तों और MRF के टायर हैं जो 12 इंच में आते हैं। और ये जो मरघट है ये भी काफ़ी मज़बूत है। और जो इसको देख सकते हैं आप, एक मैटिंग दिया है, ये भी फाइबर का है, लबर का नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं आप, फाइबर मैटिंग है ये। ये कुछ नया दिया है कंपनी ने अभी। और इसका सामने का शॉक अब्जर देख सकते हैं आप, असेंबली फारक, ये तो काफ़ी हैवी है दोस्तों। जो CNG ऑटो आता है उसी तरह से है इसका भी। सामने एक बड़ा सा विंड ग्लास देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है। और वाइपर भी है। पीछे देखते हैं दोस्तों इसकी सीट, इसको दो डोर हैं, कुछ इस तरह से इसका ओपन होता है डोर। लुक वाइज काफ़ी बढ़िया है दोस्तों ये ऑटो। आपको कैसा लगा है ऑटो कमेंट करके बताइए, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो। इसके पीछे के टायर भी MRF के हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसके नीचे सेट की बात करूं तो देखिए, नीचे भी मैटिंग दिया है साइड से, ताकि इसकी मोटर वगैरह जो कीचड़ वगैरह पानी और उससे सेफ रहे। नीचे का कुछ इस तरह से है। अभी आपको दिखाता हूं इसको, ऑटो को उठाकर भी आपको नीचे की इसकी बॉडी वगैरह। अंदर से लुक वाइज कुछ इस तरह से है इसका। ये इसका स्टेयरिंग हैंडल, बहुत ही प्रीमियम लुक है। इसका डैशबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और साइड में इसके म्यूज़िक सिस्टम लगाने के लिए भी जगह दी है। आप चाहें तो दो स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हैं। इसको दो एक्स्ट्रा बटन लगाने के लिए जगह दी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें आप USB वगैरह फिट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैबिन लाइट वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस साइड का भी डोर ओपन होता है इस तरह से, थोड़ा न्यू है दोस्तों। कुछ इस तरह से इसकी अंदर का व्यू है। और ये कंपनी ने इसके साथ मैटिंग भी फ्री दी है, देख सकते हैं RE का लोगो। सामने ग्लास के साइड एक डैशबोर्ड है, इसमें भी काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से ये ओपन होता है, इस तरह से घुमाना होगा इसको। ये देखिए, यहाँ पर आप अपने पेपर वगैरह कुछ भी नॉर्मल सामान है वो रख सकते हैं। इतना लंबा सा ये डैशबोर्ड दिया है इसको, भाई ने यहीं पर टूल रखा है, देख सकते हैं आप। तो टूल के लिहाज से ये सही नहीं है, यहाँ पे पेपर वगैरह रख सकते हैं आप नॉर्मल लोड। इसको चलिए ओपन बंद करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे देखिए, आपको दिखाता हूँ वहाँ से। पहले ये देखिए दोस्तों, इसकी बैक सीट,
जो अच्छे लुक वाइज डिजाइन में है। ये इसका सीट कवर अभी प्लास्टिक है, न्यू ऑटो है दोस्तों। इसकी डिक्की की बात करूं तो देखिए डिक्की इस तरह से है इसकी, इतनी जगह है, आप पीछे पैसेंजर का लगेज कैरी कर सकते हैं आराम से, 2 से 3 बैग कैरी कर सकते हैं। साइड में इसके एंगल पट्टी दिया है मजबूती के लिए, ये देखिए ये दोनों साइड हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसे दूसरा टॉप वगैरह लगाकर अच्छे से अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ऑटो को, जो कंपनी ने दिया है वो दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। देखिए इसके रॉड वगैरह काफ़ी अच्छे मजबूत हैं, सामने भी साइड भी 2 रॉड दिए हैं, ये देखिए। इससे क्या होता है कि गाड़ी दोस्तों लपकती नहीं है, जहाँ भी जंप वगैरह आएंगे तो गाड़ी ज़्यादा घिचकियाँ नहीं लेती हैं, देख सकते हैं। गाड़ी के मेटल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी बॉडी है दोस्तों, काफ़ी मजबूत इसका पतरा दिया है कंपनी ने। और ये जो साइड के जो बम्पर हैं, जो मरघाट हैं, ये फाइबर के हैं, ये एक ही फाइबर है दोस्तों इसमें। चलिए इसका सामने का थोड़ा सा लुक देख लेते हैं। इसकी बैटरी की बात करूँ तो इस सीट के नीचे है बैटरी, लिथियम आयन बैटरी है 48 वोल्ट की, कुछ इस तरह से इसका ये रहता है दोस्तों। कुछ निकल नहीं रहा है, देखेंगे दोस्तों। तो थोड़ा नया था दोस्तों, निकल नहीं रहा था, तो देखिए इस तरह से कुछ अंदर का इसका बैटरी का कलेक्शन वगैरह है। इसकी पूरी बैटरी इसके सीट के नीचे ही है, जहाँ ड्राइवर सीट होती है। 48 वोल्ट की इसकी बैटरी है, शायद लिथियम आयन बैटरी। सामने से देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से इसका व्यू है। इसकी चाबी को हम अब ऑन करते हैं दोस्तों, ये देखिए ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका यह है। फिर एक बार मैं ऑफ़ करता हूँ, ये फिर से ऑन करता हूँ दोस्तों, देखिए अभी जो रेड लाइट दिखाई दे रही है ये हैंड ब्रेक लगा है। अगर हम हैंड ब्रेक इसका यहाँ पर है दोस्तों, इसको हम रिलीज़ करते हैं तो ये हैंड ब्रेक जो लाइट दिखाई दे रही है वो चली जाएगी। और जो अभी ये गाड़ी चलेगी दोस्तों, 110 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी है। इसके 4 अभी जो बैटरी के ये दिखाई दे रहे हैं आपको बॉक्स, इसके फुल बॉक्स 5 होते हैं, तो अभी गाड़ी फुल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल में ऑटो है ये। ये देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा था, ये यहाँ पर इस तरह से कैबिन लाइट दी है, लैम्प है, जो रात के समय पैसेंजर को चेंज वगैरह देने में काफ़ी हेल्प होगी ड्राइवर भाई के लिए। ये भी काफ़ी अच्छा सिस्टम है, इस तरह से आप जस्ट आपको नीचे ऊपर प्रेस करना है तो ये स्टार्ट होगी लाइट जलना। देखिए अच्छी LED लाइट दी है जो येलो कलर में है दोस्तों। और एक वाटर बॉटल स्टैंड भी दिया है कंपनी ने, वो भी एक अच्छा है। सामने भी इसके जो मैटिंग है वो दी है कंपनी ने फ्री, इसके साथ ही आई है दोस्तों ऑटो के। तो थोड़ा इसको अब ऑटो को उठाकर भी दिखाता हूँ मैं आपको कि इसकी चेसी बॉडी वगैरह कैसी है, आप नीचे से भी देख लीजिए कुछ। चलिए पहले इसके पीछे साइड का आपको कुछ दिखाता हूँ क्या क्या इसके साथ में है। कुछ इस तरह से इसकी चाबी है, इसको ओपन करते हैं दोस्तों अभी। ये बजाज की आरी का स्टिकर लोबो ईटेक 9.0। ये देखिए दोस्तों एक स्टेपनी जो स्टार्टिंग में कंपनी देती है नया सा। इस स्टेपनी की बात करूं तो ये भी MRF की है दोस्तों, जो ट्यूबलेस है, और साथ में एक जैक भी दिया है कंपनी ने, ये भी अच्छी बात है।
और यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका जो चार्जर है ये ऑटो के अंदर ही इनबिल्ट है, इसको चार्जर अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं ये चार्जर है दोस्तों, ये रेड लाइट, ये जो रेड वायर है दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से ही इसकी चार्जिंग की लीड कनेक्ट होती है आपको, शायद अंदर है देखिए। तो ये इसका चार्जर है, आपको अलग से चार्जर लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसकी एक चार्जिंग की केबल आती है जो लीड बोलते हैं, बस उसी को कनेक्ट करना होता है आपके बोर्ड से। पीछे भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, इसकी मेटल की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, मेटल अच्छा है, जैसा सीएनजी का ऑटो आता है इसका बजाज का सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम ऑटो है। सिर्फ इसमें जो है इलेक्ट्रिक की मोटर वगैरह और जो कंट्रोलर, वो जो चार्जर वगैरह हैं ये फिट है इसमें, इंजन नहीं है। ये देखिए कुछ इसकी मोटर, और जो एक्सल कप की बात करूँ तो ये भी जो सीएनजी में आते हैं एज यूजल ऐसे ही हैं, और जो एक्सल आता है ये देख सकते हैं ये भी सीएनजी ऑटो में सेम ही आता है। और जो मुझे जो ख़ास अच्छी बात लगी जो इसकी मैटिंग है दोस्तों, ये साइड से काफ़ी अच्छे दिए कंपनी ने, ताकि यहाँ से जो भी पानी कीचड़ वगैरह है इस साइड नहीं आता है, तो इस वजह से ये मैटिंग दिया है। देख सकते हैं आप दोनों साइड इसके मैटिंग है, ये देखिए। और इसके जो कवर है दोस्तों, इसका जो कप आता है इसके ऊपर एक क्लिप दिया है ताकि ये बाहर निकले ना, इसके अंदर ग्रीस होता है दोस्तों, ये देखिए। यहाँ पर भी एक लॉक दिया है कंपनी ने, इधर भी एक लॉक है, इधर भी एक लॉक, देख सकते हैं आप। तो इसका लॉक का फ़ायदा यह है कि ये इस तरह से हटेगा नहीं, जो बूट कवर बोलते हैं, अगर ये हटता है तो इसके अंदर जो भी ग्रीस है सब मोटर पे वगैरह फैल जाएगा, तो इसीलिए कंपनी ने ये लॉक दिए हैं, ये भी एक अच्छा सुधार किया है कंपनी ने। नीचे साइड इसकी मोटर कुछ इस तरह से, आपको ज़रा इसको उठा कर दिखाता हूँ, इसकी बॉडी वगैरह कैसी, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका नीचे साइड का जो सिस्टम है, आज तक आपने देखा नहीं होगा, तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा मजबूत मैटिंग दिया है, जो पहले वाला जो था लबर का था, इस बार थोड़ा फाइबर है, तो जो नरम फाइबर है दोस्तों अच्छा है। ये देखिए दोस्तों इसकी नीचे साइड की बॉडी कुछ इस तरह से है, इसका जो सिस्टम है देख सकते हैं आप, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, काफ़ी मेहनत का है ये, गाड़ी को भाई ने उठा के पकड़ा है इसको। देखिए दोस्तों नीचे साइड कुछ इस तरह से, इसका चार्जर देखिए यहाँ पर फिट है, कंट्रोलर चार्जर देख सकते हैं, ये इसके मोटर के इस तरह से कुछ कनेक्शन है दोस्तों, ये देखिए। और इसकी मोटर की फिटिंग कुछ इस तरह से है, जो काफ़ी बढ़िया है, नीचे से कवर भी दिया है मोटर को कवर करने के लिए, ताकि यहाँ से कीचड़ पानी वगैरह थोड़ा सा सेफ्टी रहे, ऐसे तो ये मोटर वाटर प्रूफ होती है दोस्तों, फिर भी कंपनी ने ऊपर ऊपर सेफ्टी भी अच्छी दी है। देखिए दोस्तों इसकी बॉडी वगैरह कुछ इस तरह, इसकी चेसिस देखिए काफ़ी मजबूत चेसिस है इसकी, जैसे सीएनजी ऑटो है सेम है, कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ट्रायल देखिए, अपने यहाँ पता कीजिए सर्विस वगैरह कैसी है, फिर कोई ऑटो लीजिए दोस्तों, मेरे कहने से भी मत लीजिए, आप खुद से ट्रायल देखिए, फिर आप कोई भी ऑटो परचेस कीजिए।